नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। दोस्तों, बिहार की राजनीति इस समय काफी दिलचस्प हो गई है। एक तरफ बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि जनता की ताकत और जनता का साथ इस बार महागठबंधन के साथ हो रहा है। दूसरी ओर इस बीच तेजस्वी यादव के 2-3 वीडियो आ गए हैं सामने, जिनसे बीजेपी का परेशान होना काफी स्वाभाविक दिख रहा है, क्योंकि तेजस्वी के इन वीडियो में एक और संतरे की एंट्री हुई है और कहीं फिश खाने का मामला है, जिस पर बीजेपी ने टिप्पणी की, लेकिन अब बीजेपी अपनी ही टिप्पणियों पर घिर भी गई है। तो क्या होने वाला है बिहार की राजनीति में खास, इस पर आज हम खरी खरी चर्चा करेंगे। और इस बीच आपको ये भी बता दूं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इन सबके भी बिहार आने की तैयारी है और राहुल गांधी का बिहार को लेकर एक बड़ा प्लान भी सामने आया है। तो क्या कुछ खास होने वाला है बिहार की राजनीति में और कैसे संतरे की एंट्री से बिहार की राजनीति के बदल रहे हैं रंग, आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी। हम अमलेंदु जी से बिहार की राजनीति पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले, नमस्कार अमलेंदु जी, हम पहले एक वीडियो देख लेते हैं तेजस्वी यादव का, जो इस समय काफी चर्चा में है। वीडियो हेलीकॉप्टर का है, क्योंकि हेलीकॉप्टर में आवाज बहुत है, इसलिए कुछ बातें स्पष्ट सुनाई नहीं दे रही, लेकिन जो कहा है, एक और तो बैठे हैं मुकेश सहनी, जो महागठबंधन के अभी नए नए साथी बने हैं अमलेंदु जी, और दूसरी ओर है तेजस्वी यादव, दोनों के हाथों में है संतरा। तेजस्वी यादव के हाथ में संतरा पूरा है, मुकेश सहनी संतरा छील के खा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने बताया कि ये संतरा उनको जमुई की जनता ने दिया है, और दूसरी ओर मुकेश सहनी ये कह रहे हैं कि हमारे संतरा खाने से तो इनको तकलीफ नहीं होगी, और ये तो चाहते हैं कि गरीब का बेटा केवल रोटी प्याज खा के आगे बढ़े। और वो ये भी बोल रहे हैं कि ये सामाजिक न्याय की लड़ाई है, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उनको वक्त कम मिलता है, जो 10-15 मिनट मिलते हैं हेलीकॉप्टर से इधर से उधर जाने में, उस दौरान ही ये लोग कुछ खाते पीते हैं। और अभी इनका ये जो संतरे वाला जो वीडियो है, इसको लेकर तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया। तेजस्वी यादव ने उस वीडियो को डाला और साथ में लिखा, हेलो फ्रेंड्स, आज हेलीकॉप्टर में नारंगी पार्टी हुई, ऑरेंज के रंग से तो वो चिढ़ेंगे नहीं ना चिढ़ेंगे, हैशटैग तेजस्वी यादव, हैशटैग ट्रेंडिंग, हैशटैग वायरल। ये जो इन्होंने तेजस्वी यादव ने हैशटैग्स लगाए हैं अमलेंदु जी, ये भी काफी रोचक हैं। केवल तेजस्वी यादव उन्होंने नहीं लिखा, उन्होंने ट्रेंडिंग भी लिखा, वायरल भी लिखा। तेजस्वी यादव जानते हैं जनता की नब्ज, सोशल मीडिया का मूड भी बहुत अच्छे से पहचान रहे हैं कि अगर अब मैं ये नारंगी या संतरा जो भी बोल लें इसको अगर डालूंगा और उसके बाद मैं बोलूंगा कि अब इससे तो आप नहीं ना चिढ़ेंगे, ये जो चिढ़ाने वाली बात है तेजस्वी यादव का, ये जो अंदाज है और राजनीति में इस समय संतरे की एंट्री, अमलेंदु जी इस पर आपकी टिप्पणी। देखिए सर्वित्रा जी, एक तो ये जो संतरा है इसको, जिसको छील रहे हैं मुकेश सहनी और छिला हुआ संतरा खा रहे हैं तेजस्वी यादव, और साबित संतरा हाथ में रखे हैं, बता रहे हैं कि हमको जमुई की जनता ने दिया है। तो ये संतरा छीलना जो है, ये ट्वीट करना कि नारंगी की पार्टी हुई, तो ये असल में बहुत कहा जाए कि रूपकों में उन्होंने बात की है तेजस्वी यादव ने और मुकेश सहनी ने भी, और ये एक तरीके से सीधा सीधा बीजेपी के ऊपर बहुत तगड़ा जो है वो प्रहार किया है इस संतरे के जरिए। चूँकि बीजेपी को लोगों को कहा जाता है कि ये नागपुरी संतरे हैं, जो आम बोलचाल की भाषा में पॉलिटिकल
जो सटायर सब चलते हैं उसमें इस तरीके की बातें आम जनता करती है कि नागपुरी संतरे हैं कि नारंगी हैं कि संतरे हैं, इस तरह की बातें कही जाती हैं। और वो कहा इसलिए आता है कि चूंकि ये भगवा झंडा जो लहराते वो भगवा तो है नहीं असल में, वो इनका नारंगी संतरा नारंगी रंग का है इनका झंडा और नागपुर में इनका मुख्यालय है RSS का, तो इसलिए वो इस तरीके से जोड़ा जाता है। तो ये एक संदेश दिया कि कायदे से जो है बिहार में अब नारंगी संतरों की छिलाई हो रही है और उसको खाया जा रहा है, यानी कि एक संदेश दिया गया कि हमने जो है यहाँ पूरी तैयारी कर ली है भारतीय जनता पार्टी को बिहार की ज़मीन पे धूल चटाने की, ये एक तरीके से संदेश देने की कोशिश की गई है। इसी तरीके से उन्होंने जो एक रैली हुई थी अभी कल ही हुई है औरंगाबाद में इनकी तेजस्वी यादव की, उसमें उन्होंने बड़े जोर के साथ साथ कहा कि भाई ना तो लालू जी जो थे वो झुके थे इनके सामने, ना हम झुकेंगे, लालू जी ने आडवाणी का रथ रोका था, हम BJP का जो है उसको रोकेंगे। यानी कि एक संदेश साफ साफ तेजस्वी यादव ने देने की कोशिश की है एक रूपक के जरिए, संतरे के जरिए, कि हमने पूरी तैयारी कर ली है और जिस तरीके से रोका गया था आडवाणी जी को बिहार में, उसी तरीके से BJP को फिर बिहार में रोका जाएगा और BJP का जो दिल्ली विजय का सपना है उसको बिहार से चकनाचूर कर दिया जाएगा। ये एक संदेश तेजस्वी ने देने की कोशिश की है। मुकेश सहनी जो बात को कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़नी है और सामाजिक न्याय की लड़ाई में ये लोग चाहते ही यही हैं कि हम जो हैं वो गरीब गुरबा बन करके रहें, और ये एक तरीके से कहा जाए बहुत तगड़ी चोट जो है मुकेश सहनी की तरफ से BJP के ऊपर की गई है। चूँकि BJP को समझाया जाता है कि ये पूंजीपतियों की और बड़े कॉरपोरेट घरानों की पार्टी है और उन्हीं के लिए काम करती है और भारत आम जनता को जो है वो हिंदू मुसलमान के झगड़े में निपटा करके और सारे काम बड़े पूंजीपतियों के लिए करती है। तो ये एक तरीके से चोट जिस तरीके से की है मुकेश सहनी ने, ये भी जो है वो समझने वाली बात है कि मुकेश सहनी ने सामाजिक न्याय की बात करते हुए और ज़्यादा बातें जो है मुकेश सहनी कह रहे हैं और तेजस्वी जो है वो सिर्फ इतना बता रहे हैं कि ये हमको जनता ने दिया है और उसके बाद फिर ट्वीट करते हैं कि नारंगी संतरे की पार्टी हुई, अब इससे तो नहीं नचड़ेंगे। तो ये कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये बहुत तगड़ा प्रहार जो है वो BJP के ऊपर तेजस्वी यादव ने किया है और साथ में मुकेश सहनी और ये पिछड़ा अति पिछड़ों का जो एक कम्बिनेशन बना है बिहार में मुकेश सहनी के साथ में आने के बाद इंडिया गठबंधन में, ये बहुत ज़्यादा मारक है और इससे BJP काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई दिखाई पड़ रही है सरमिता जी, चूँकि इसका असर उत्तर प्रदेश में भी होने वाला है। बिल्कुल अमलेंदु जी, नाम निशान बयान जुमले सभी का राजनीति में बहुत महत्व होता है, आप कब कहां क्या बोलते हैं इसका असर जनता पे पड़ता है और लालू प्रसाद अपनी इसी राजनीति के कारण और अपनी इसी रोचक शैली के कारण वो जाने जाते रहे। आपने जिक्र किया रथ यात्रा का, जब सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक अडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली थी और वो पूरा रथ जो था उस रथ यात्रा के बाद ही ये कहना चाहिए कि BJP के लिए राजनीतिक जमीन तैयार हुई देश में और BJP को सत्ता में आने का मौका उस जमीन से ही मिला। लेकिन इसे लालू प्रसाद जी ने ही रोका था लाल कृष्ण अडवाणी के रथ को बिहार में, मतलब जब पूरे देश में एक तरह से सांप्रदायिक उन्माद की लहर बह चली थी उस समय लालू प्रसाद ने हिम्मत दिखाई थी और आज भी लालू प्रसाद उतनी मजबूती से टिके हुए हैं, खड़े हुए हैं और अब उनके बेटे तेजस्वी यादव इसी मजबूती के साथ BJP को जवाब दे रहे हैं और बिल्कुल लालू जी के अंदाज में ही BJP को चढ़ा भी रहे हैं कि अब हम नारंगी संतरे की पार्टी कर रहे हैं। BJP को चढ़ाने वाला एक और वीडियो अभी हाल ही में तेजस्वी यादव ने फिर डाला था, उस वीडियो को भी देखते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। आप सब लोग अभी देख रहे हैं कि हम लोग अभी मुकेश सहनी जी के साथ हैं और पूरा दिन भर हम लोग प्रचार किए हैं और प्रचार करने के बाद हम लोगों को ये 10-15 मिनट मिला है जो हम लोग लंच कर सके। तो आज मुकेश जी जो है खाना लाए हैं लंच में, मछली लाए हैं और बहुत ही स्वादिष्ट मछली है, एक कांटे का मछली है, साथ में रोटी है, नमक है, प्याज है और हरी मिर्ची है। तो यही मौका मिलता है जब हम लोग जो है 10-15 मिनट का खाना जो है खा सके और पूरे दिन भर से हम लोग प्रचार में लगे रहते हैं। तो मुकेश जी को हम धन्यवाद देते कि मछली खिलाया आज इन्होंने। और मछली कौन सा है, मछली कौन सा खा रही बताएंगे। नमस्कार साथियों, ये मछली जो है खास करके मिथिलांचल में कोसी में पाया जाता है, इसका नाम है चेचरा और मजबूती से हम लोग प्रचार कर रहे हैं और वही थोड़ा सा समय मिलता तो वही हम लोग का लंच हेलीकॉप्टर में ही हो जा रहा है और प्याज मछली
और मिर्ची, ये सारी चीज नमक है, सारी चीज हम लोग खा रहे हैं। और खास करके ये वीडियो खास करके हमारे छोटे भाई तेजस्वी जी का और हमारा देखने के बाद कुछ लोगों को बहुत मिर्ची लगेगा, तो वो कृपया करके उसको मिर्ची ना लगे, वो मिर्ची हम लोग से मांग ले। और निश्चित तौर पर एक हफ्ते के भीतर दो ऐसे वीडियो जिनसे बीजेपी को मिर्ची लग सकती है, क्योंकि मुकेश सहनी भी बिल्कुल तेजस्वी यादव का यहाँ साथ देते नजर आए। तेजस्वी यादव तो ये बता रहे हैं कि हम मछली खा रहे हैं, और मुकेश सहनी ये बता रहे हैं कि हम इसके साथ मिर्च और प्याज भी, और लोगों को मिर्च ना लगे। किसको मिर्च ना लगे ये बात उनका इशारा किस ओर है, ये ज्यादा खुलासे से बताने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि सबको समझ में आ रहा है। और तेजस्वी यादव को जैसा अनुमान था कि वो ये वीडियो डालेंगे और उसके बाद उन पर प्रहार शुरू होंगे, और वैसा ही हुआ भी। गिरिराज सिंह है चाहे विजय सिन्हा है, इन लोगों ने, बीजेपी के नेताओं ने तेजस्वी यादव पर ढोंगी सनातनी होने, झूठे सनातनी होने का आरोप लगा दिया, और उन्हें ये कहना शुरू कर दिया कि आप नवरात्र में मछली खा रहे हैं। जबकि अमरेंद्र जी, ये वीडियो है 8 तारीख का, और तेजस्वी यादव ने फिर एक ट्वीट भी किया, और उसमें उन्होंने लिखा कि भाजपाइयों और गोदी मीडिया के भक्तों के आईक्यू का टेस्ट लेने के लिए हमने ये वीडियो डाला था, और हम अपनी सोच में सही भी साबित हुए। ट्वीट में दिनांक यानी डेट लिखा हुआ है, लेकिन बेचारे अंध भक्तों को क्या मालूम। आखिर में सहनी जी द्वारा मिर्च लगने का भी जिक्र किया गया है। ये तेजस्वी यादव का ट्वीट है। इस ट्वीट में तेजस्वी यादव ने ये बता दिया है कि उन लोगों ने तो आईक्यू टेस्ट लेने के लिए वीडियो डाला था, यानी वो ये बता रहे हैं कि बीजेपी जिस दमदारी का दावा कर रही है, लेकिन उसके अंधभक्त जो हैं उनमें इतनी भी अकल नहीं है कि वो किसी पर प्रहार करें, तो वो उसके पहले उसके सारी जांच पड़ताल कर लें कि ये ट्वीट कब का है, वीडियो कब का है। वीडियो में साफ साफ तारीख दिख रही है, 8 तारीख और 9 तारीख से नवरात्र शुरू हुए। हालांकि ये सब अपना मसला है, अपनी व्यक्तिगत सोच है कि आप क्या खाएं क्या ना खाएं, और ऐसा नहीं है कि नवरात्रि के दौरान लोग मांस मदिरा ये सब का सेवन छोड़ देते हैं। जिसे जो मर्जी वो खाए, हिंदुस्तान का संविधान हमको आजादी देता है, लेकिन जब से बीजेपी का दबदबा देश में किसी तरह से बढ़ा है और उसके अंधभक्तों की एक बड़ी फौज खड़ी हो गई है, तो अमरेंद्र जी ये एक बड़ा मतलब खाने पीने पर भी बंदिशें लगने लगी हैं और टोका टोकी शुरू हो गई है। आपको याद होगा कि लालू प्रसाद और राहुल गांधी का भी एक वीडियो था मटन वाला, जिसमें वो मटन बनाना सीख रहे हैं राहुल गांधी, और उसपे भी ये हो गया कि आपने सावन में मटन खाया है, जबकि ये किसी कानून की किताब में नहीं लिखा है कि हिंदुस्तान में सावन में या नवरात्र में लोग मटन नहीं खा सकते, मछली नहीं खा सकते। लेकिन बीजेपी की इस तरह की जो बातें हैं ये फिर वही ध्रुवीकरण की ओर इशारा कर रही हैं। लेकिन क्या अमरेंद्र जी, अब जनता जो है इस तरह की बातों का जवाब देना, और जिस तरह से तेजस्वी यादव बीजेपी की इस मूर्खता को या बीजेपी के समर्थकों की मूर्खता को जिस तरह से सामने रख रहे हैं, उसका क्या असर बिहार में पड़ेगा? बिहार के लोग वैसे भी बड़े आंदोलित हो जाते हैं, मतलब अगर उन्हें कोई चीज गलत लगती है तो वो गलत को गलत बोलने का तरीका भी उनका एक अलग ही है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? एक तो ये है सविता जी कि जिस तरीके से तेजस्वी की सभाओं में भीड़ उमड़ रही है, और औरंगाबाद में रफी जगह एक है वहाँ उनकी सभा हुई, तो उस सभा में इतनी ज़बरदस्त भीड़ थी और भीड़ इतनी बेकाबू हो गई तेजस्वी की एक झलक पाने के लिए कि वो जो डी बनाई जाती है गैली, वो डी तोड़ करके वो थी एकदम मंच के पास तक पहुंच गई, और फिर तेजस्वी को अपील करनी पड़ेगी कि आप थोड़ा पीछे जाइए। यानी कि आप समझ सकती हैं तेजस्वी को लेकर के किस तरीके की दीवानगी बिहार में लोगों में दिखाई पड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी को परेशानी इसी बात से हो रही है कि तेजस्वी की लगातार लोकप्रियता एक ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रही है, और मुकेश सहनी के इंडिया गठबंधन में आने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी का और नीतीश जी का जो मिला समीकरण था उसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से चोट पहुंची है। क्योंकि मुकेश सहनी जिस बिरादरी से आते हैं उसकी आबादी जो है वो हरिद्वार से लेकर के और जहाँ गंगा ख़त्म होती है हुगली तक, वहाँ तक जो है वो गंगा किनारे उनकी बहुत बहुत बड़ी आबादी रहती है, तो यानी एक बड़ा प्रभाव जो वो डालते हैं, तो बिहार में भी वो बड़ा प्रभाव डाल रहे हैं। 3 सीटें उनको आरजेडी ने अपने खाते से दी हैं, और यही बात जो थे वो मुकेश सहनी अपने उस वीडियो में कहते हुए दिखाई दिए कि हमारी और तेजस्वी जी के साथ साथ देख के लोगों को मिर्ची तो नहीं लगेगी, तो हम वो मिर्ची साथ लेकर के चल रहे हैं। तो यानी ये चढ़ाने का जो उपक्रम था, तो वो चढ़ाने के उपक्रम में बीजेपी इस ट्रैप में फंस गई एक तरीके से। तो अब देखना ये सविता जी कि इस तरीके के ट्रैप में बीजेपी कितना फंसती जाएगी, क्योंकि बीजेपी वाले इस कोशिश में रहते हैं कि राहुल गांधी कुछ बोले तो उसमें से कुछ क्लिप काट ली जाए, फिर उसको वायरल किया जाए,
फांस आ जाए, तेजस्वी कुछ बोल दें, अखिलेश कुछ बोल दें, ममता कुछ बोल दें, केजरीवाल कुछ बोल दें, तो उसमें से कुछ निकाल के फिर वायरल उसको किया जाए, फिर उसको कहा जाए कि ये तो हिंदू विरोधी है या सनातन विरोधी है, इस तरीके की चीज़ें सब की हैं। लेकिन अब ये दांव बीजेपी को उल्टे पड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, चूँकि तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से इस ट्वीट को किया था तो पहले ही उसमें लिख दिया था, यानी वो जो कह रहे हैं वो बात मालूम भी पड़ती है, वरना वीडियो को ट्वीट करते समय वो तारीख नहीं डालते कि 8 तारीख क्या है, उन्होंने किया उस पर लिख दिया कि 8 तारीख का है, उन्हें मालूम था कि इसको लेकर के ये किया जाएगा और फिर उस पर क्या जवाब देना है ये भी इसका ना तेजस्वी पहले से तय कर चुके थे। तो वही तेजस्वी अपने अगले ट्वीट में कह रहे हैं कि मीडिया के जो सब हैं अंधभक्त और बीजेपी की जो अंधभक्त हैं उनको हमें मालूम था कि आप ये करेंगे, हम सही साबित हुए। तो ये एक तरीके से बीजेपी ने अपना प्रमाण दे दिया कि किस तरीके से वो ट्रैप में फंस गए तेजस्वी के। तो सरिता जी, अब जो बिहार के अंदर समीकरण बन रहे हैं उसमें अब यही लग रहा है कि बीजेपी निश्चित तौर पर अब इंडिया गठबंधन के और तेजस्वी यादव के ट्रैप में वहाँ फंसती हुई दिखाई पड़ रही है। अभी मैं एक देख रहा था, एक उस पर बड़ा पोर्टल है, उस पर खबर थी कि बीजेपी किस तरीके से वहाँ परेशान है, और दूसरा जो बीजेपी का अपना चरित्र है जो अपने सहयोगियों को धोखा देने का, बताया जा रहा है कि उस चरित्र पे काम करना बीजेपी ने शुरू कर दिया है। जो आसनसोल से उम्मीदवार बनाए गए थे, एक फिल्म स्टार जो थे, वो भोजपुरी फिल्मों के स्टार, उन्होंने अब घोषणा कर दी है कि वो वहाँ से चुनाव लड़ेंगे जहाँ से कोराकट, जहाँ से उपेंद्र कुशवाहा जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के सहयोगी। तो अब सोशल मीडिया पर ये चल रहा है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा को निपटाने का काम जो है वो बीजेपी ने शुरू कर दिया है। तो यानी आप अपने ही सहयोगियों को निपटाने का काम जो है वो कर रहे हैं, और उसके बाद आप ये भी सोच रहे हैं कि आप 400 पार भी जाएंगे। तो ये है, तो तेजस्वी ने पूछा था भाई किस बिना पे आप 400 पार जाएंगे, क्या वो 400 पार की तो बातें अलग की हैं, कौन जाएगा कितना नहीं जाएगा, लेकिन जो बीजेपी की रणनीति है शर्मिता जी वो समझी जा सकती है किस तरीके से बीजेपी ने जो है वो काम किया। यही मुकेश सहनी पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ ही थे, लेकिन इनके तीनों विधायकों को तोड़ के बीजेपी ने अपने साथ कर लिया था, उसका खमियाजा बीजेपी को अभी इस लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ रहा है कि मुकेश सहनी अब जाकर के इंडिया गठबंधन के साथ शामिल हो गए। तो ये इंडिया गठबंधन की बड़ी मजबूती है, और चूंकि चोट खाए हुए हैं मुकेश सहनी पिछले बीजेपी के करतूतों से, तो उनके जो मतदाता हैं उनके मतदाताओं के भी मन में जो है वो मुकेश सहनी को लेकर के एक कहा जाए सहानुभूति है कि इनके साथ जो है बीजेपी ने धोखा किया। तो देखिए, अगर कोई धोखा करता है तो चुनाव में उस धोखा करने वाले को सबक सिखाना जो है वो जनता उसके लिए ज़्यादा जोर से झुकती है, बजाय इसकी किसी को जिताने के लिए। तो ये एक सामान्य चरित्र है, मतलब भारतीय राजनीति का एक सामान्य जो है वो एक तरीके कह सकते हैं फिनोमिना है कि अगर आपने किसी के साथ धोखा किया है तो धोखा करने वालों को जनता सबक सिखाती है। हम लोगों ने देखा था ये मध्य प्रदेश में जिस तरीके से कांग्रेस के विधायकों ने जो धोखा करके गए थे बीजेपी में, वो जब चुनाव लड़े तो किस तरीके से उनको हराया। कर्नाटक के चुनाव में भी हमने देखा कि जिन लोगों ने कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी में चले गए थे उनको किस तरीके से जनता ने बुरी तरीके से नकार दिया। तो ये जनता के मन में एक चीज़ ये आ गई है कि अब जो है बीजेपी को ये सबक सिखाना है कि किस तरीके से उसने अपने सहयोगियों के साथ चोट की थी और किस तरीके से उसको किया था। तो ये अब जो समीकरण आ रहे हैं सामने उससे बीजेपी परेशान निश्चित तौर पर दिखाई पड़ती है, और ये समीकरण इंडिया गठबंधन का वहाँ बहुत अच्छा बन गया है। तेजस्वी यादव की RJD, राहुल गांधी की कांग्रेस, मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी, भाकपा माले, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये सब मिल करके वहाँ जो चुनाव लड़ रहे हैं और पूरा मजबूती के साथ गठबंधन वहाँ चुनाव लड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सरमिता जी, बिल्कुल, बिहार में राजनीति के रंग अभी काफी बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बीजेपी चाहे जितना जोर लगा ले, मोदी खुद 2 बार पहले आ चुके हैं, नीतीश कुमार के साथ रैली कर चुके हैं, चिराग पासवान को अब उन्होंने अपनी ओर मिला लिया और पशुपति पारस को उन्होंने किनारे कर दिया है। और अभी आप जिक्र कर रहे थे पवन सिंह का अमलेंदु जी, तो पवन सिंह ने एक ट्वीट भी किया है और उसमें उन्होंने लिखा है कि माता गुरुतरा भूमेरू, अर्थात माता इस भूमि से कहीं अधिक भारी होती है। मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि मैं इस बार चुनाव लड़ूंगा, मैंने निश्चय किया है कि मैं 2024 का लोकसभा चुनाव काराकाट बिहार से लड़ूंगा, जय माता दी। तो ये पवन सिंह का ट्वीट है। भोजपुरी फिल्मों के नायक गायक सब हैं वो, और बीजेपी ने इन्हें आसनसोल से टिकट दिया था, तब भी बहुत विवाद हुआ था क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा के मुकाबले बीजेपी इनको उतारना चाहती थी, और इन्होंने पहले तो धन्यवाद कहा और बाद में कहा कि नहीं, मैं यहां से नहीं लड़ूंगा, और अब वो यहां से लड़ रहे हैं। तो कुल मिला के समीकरण बिहार में बदलते दिखाई दे रहे हैं। और इस बीच राहुल गांधी का भी एक बड़ा प्लान सामने आ गया है। राहुल गांधी 19 अप्रैल को किशनगंज पहुंच रहे हैं, वहां वो चुनाव प्रचार करेंगे। किशनगंज से कांग्रेस के मोहम्मद जावेद मैदान में है, और 2009 से ही ये सीट लगातार कांग्रेस के पास रही है। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से इस बार कांग्रेस को 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है कांग्रेस, और जिसमें अब दूसरे चरण में
तीन सीटों के लिए जो मतदान होना है उसके लिए राहुल गांधी वहां पहुंच रहे हैं, और खबर है कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी आएंगे, प्रियंका गांधी भी आएंगी। ये लोग कब पहुंचेंगे ये भी पता चलेगा, लेकिन 19 से 26 के बीच में ही इन तीनों नेताओं का वहां पर लगातार दौरा होगा, खासकर राहुल गांधी का, क्योंकि जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर राहुल गांधी पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल से होते हुए जब बिहार पहुंचे थे अमलेंदु जी, वही समय था जब नीतीश कुमार को बीजेपी ने अपनी ओर मिला लिया था। पहले बहुत कयास लग रहे थे कि नीतीश कुमार यात्रा में शामिल होंगे नहीं होंगे, लेकिन फिर पता चला नीतीश कुमार तो महागठबंधन में ही शामिल नहीं है, वो तो एनडीए का हिस्सा बन गए। लेकिन तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी का साथ दिया और वो पहुंचे भी थे इस उनकी रैली में, न्याय यात्रा में पहुंचे थे, और राहुल गांधी का काफी असर, काफी क्रेज इस समय बिहार में देखा जा रहा है। तो अब कांग्रेस ने भले वो 9 सीटों पर लड़ रही है, लेकिन क्या राहुल गांधी के बिहार पहुंचने से एक और राजद और दूसरी और बाकी जो महागठबंधन के साथी हैं इन पर क्या असर पड़ेगा, इनके लिए कितना प्रचार में ये मजबूत हो पाएंगे? अमलेंदु जी, देखिए इसका काफी असर पड़ेगा, चूंकि राहुल गांधी की भी लोकप्रियता बहुत तेजी के साथ बढ़ी है और युवाओं में खासतौर से उनकी लोकप्रियता काफी ज्यादा है। जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी बिहार में थे, और खासतौर से जब वो तीसरी बार बिहार पहुंचे, मतलब नीतीश कुमार के सर बहुमत साबित करने के बाद जब वो तीसरी बार बिहार में घुसे उस न्याय यात्रा के दौरान, और तेजस्वी यादव ने उनकी जीप चलाई, तेजस्वी यादव साथी बने, तो वहीं से एक संदेश दे दिया गया था कि कमान यहाँ जो है वो तेजस्वी के हाथ में है, और सीट पे जो है वो एक तरीके से कहा जाए पिछली सीट पे वो कांग्रेस बैठी है यानी राहुल गांधी हैं, और ड्राइविंग सीट पे जो है वो तेजस्वी यादव हैं, यानी नेतृत्व वहाँ बिहार में तेजस्वी यादव करेंगे, ये एक तरीके से साफ संकेत मिल गया था। और उसी समय ये लग गया था कि अच्छा एक बॉन्डिंग जो है दोनों नेताओं के बीच में हो गई है। और उसके बाद फिर जब वो पटना की रैली हुई 3 मार्च की, ऐतिहासिक गांधी मैदान की जन विश्वास महारैली जो हुई, उसमें जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के लोग एकजुट हुए और एक सुर में जिन्होंने जिस तरीके से बातें की और सीधे सीधे बीजेपी को चुनौती दी, उस समय भी मध्य प्रदेश से यात्रा को बीच में छोड़ करके राहुल गांधी और खड़गे जी जो थे वो पहुंचे थे उस रैली में, तो ये एक साफ संदेश दिया गया था कि यहाँ मिलजुल करके चुनाव होगा। अब मिलजुल करके ही वहाँ चुनाव हो रहा है, और राहुल गांधी जा रहे हैं और उन सीटों पर जाएंगे पहले जहाँ उनके प्रत्याशी लड़ रहे हैं, दूसरे चुनाव में 3 सीटें हैं उन पर जाएंगे, और खबर ये है कि 19 से 26 अप्रैल के बीच में राहुल गांधी वहाँ रहेंगे लगातार, और खड़गे जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं कांग्रेस के अध्यक्ष वो रहेंगे, और प्रियंका गांधी भी जो है वो जा सकती हैं, तो कुल मिलाकर ये 3 बड़े नेता कांग्रेस के वहाँ रहेंगे। देखिए समृता जी, हो क्या रहा है कि बीजेपी के साथ बड़ी परेशानी अब जो ये हो गई है कि बीजेपी के पास सिर्फ एक ही स्टार प्रचारक बचे हैं मोदी जी, और इसीलिए लगता है कि चुनाव जो है वो इतना लंबा खींचा गया है और कई चरणों में चुनाव कराया गया है, और इस तरीके का ध्यान रखा गया है कि प्रधानमंत्री को जो चुनाव प्रचार करने में थोड़ी सुविधा रहे, तो इस तरीके से चुनाव प्रचार को सब जो है ठीक तरीके से किया गया है, जो विपक्ष के आरोप है अपने जिस तरीके से। बीजेपी के सामने संकट ये है कि उनके पास सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जबकि विपक्ष के पास खासतौर से इंडिया गठबंधन के पास हर राज्य में अपना उनका एक बड़ा नेता मौजूद है जो उस राज्य की भाषा में बात करेगा, उस राज्य की बोली में बात करेगा, और राहुल गांधी जाकर के उसमें एक तरीके से संबल लगाने का काम करेंगे। तो राहुल गांधी एक नेशनल लीडर के तौर पर प्रधानमंत्री को जबरदस्त चुनौती देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और जो क्षेत्रीय दल हैं, जो क्षेत्रीय दलों के नेता हैं, वो मजबूती के साथ अपने अपने राज्यों की कमान संभाले हुए हैं, वहाँ मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। बीजेपी के साथ इस तरीके का समीकरण किसी भी राज्य में आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, बिहार में तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि बिहार में अब तो जिस तरीके की सूचना आई, वो ये वीडियो जो वायरल हुआ कि नीतीश कुमार किस तरीके से मोदी जी के पैर छूते हुए दिखाई पड़े, वो बहुत कुछ वायरल हुआ, फिर वो ये भी कहते हुए वायरल दिखाई पड़े कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अब चले गए थे और अब आप आ गए हैं, तो उस पर मोदी जी हंसते हुए दिखाई पड़े, तो ये भी सब चीज़ें आई। तो यानी विश्वास का संकट जो है वो बीजेपी और बीजेपी के सहयोगियों के बीच ज़बरदस्त तरीके से है, जबकि इंडिया गठबंधन में यही विश्वास की बहाली है, ये विश्वास उनके अंदर कायम है इंडिया गठबंधन के लोगों के अंदर। तो ये बीजेपी की एक बड़ी चुनौती है, इसको कहा जा सकता है कि उसके सामने इंडिया गठबंधन ने पेश की है, खासतौर से बिहार जो है यहाँ से 39 सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जो है एनडीए के पास आई थी 2019 के लोकसभा चुनाव में। आज की जो परिस्थितियाँ हैं और जो तमाम सर्वे जो आ रहे हैं, जो अब वो सर्वे के बारे में ये भी कहा जा सकता है कि वो किस तरीके से प्रायोजित किए जाते हैं ये भी हम लोगों को मालूम है सब, लेकिन उसके बावजूद जो है वो सर्वे भी ये कहने लगे हैं कि बीजेपी
एनडीए को यानी बीजेपी और उसके सहयोगियों को 17 से 18 सीटों का नुकसान हो रहा है, अभी ये कहना शुरू किया है। आगे जब बढ़ता जाएगा समय, फिर ये सर्वे बताते जाएंगे कि बीजेपी को नुकसान जबरदस्त तरीके से बिहार में हो रहा है। तो अगर बिहार से इस तरीके का नुकसान हो रहा है, महाराष्ट्र से इस तरीके का नुकसान हो रहा है, उत्तर प्रदेश से नुकसान हो रहा है, बंगाल से नुकसान हो रहा है, तो ये बड़े राज्य जो हैं जहाँ से भारतीय जनता पार्टी बहुत सीटें लेकर के आई थी, अगर इन बड़े राज्यों से इस तरीके से नुकसान हो रहा है तो फिर ये 150 तक छूना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा, जिस तरीके की चीज़ें सब सामने आ रही हैं। बिहार में बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से राहुल गांधी का अब ये प्लान आया है सामने, और इंडिया गठबंधन के अंदर जिस तरीके के लेकर के एक बॉन्डिंग बनी है, और अब इंडिया गठबंधन के लोग जिस तरीके से बिहार में प्रहार कर रहे हैं और कटाक्ष जिस तरीके से आज किया है तेजस्वी यादव ने कि नारंगी संतरों के पार्टी पर तो अब इनको परेशानी नहीं ना होगी ये कह के, और फिर संतरे छीलते हुए दिखाया गया, तो ये सारी जो है वो एक कहा जाए कि अभिधा में या रूपक में ये बता दिया गया कि हमने आपकी छिलाई करने की पूरी तैयारी कर ली है। बीजेपी लोगों को ये संदेश जो एक तरीके से इंडिया गठबंधन की तरफ से दे दिया गया है। सरमित्रा जी बिल्कुल छिलाई कहिए धुलाई कहिए, तेजस्वी यादव बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे हैं, खिंचाई भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि विधानसभा में तेजस्वी यादव का जो भाषण हुआ था, तेजस्वी यादव समझ रहे थे कि विश्वास मत नीतीश कुमार जीत रहे हैं, लेकिन वो ये भी देख रहे थे कि विश्वास मत भले नीतीश कुमार जीत जाए, सत्ता में भले नीतीश कुमार बने रहे, लेकिन जनता का मन जो है वो तेजस्वी यादव के साथ आ जाएगा। और इसीलिए तेजस्वी यादव ने बिल्कुल ये कहा कि हमने तो आप हमारे साथ मन लगाने के लिए थोड़ी ना थे, हम जनता के लिए काम करने के लिए आप हमारे साथ आए थे, लेकिन अब आप बीजेपी में चले गए हैं। और यहाँ उन्होंने साफ साफ कहा कि पता नहीं क्या मोदी इस बात की गारंटी लेंगे कि नहीं लेंगे कि अब आप कभी पलटेंगे नहीं। तो ये जो पलटने वाला जो एक ठप्पा लग गया है नीतीश कुमार पर, ये इस बार के चुनाव में बीजेपी को भी बड़ा नुकसान दे जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी पे अब पूरा सवाल उठता जा रहा है। और बार बार उनको जिस तरह हर मंच से ये बताने की जरूरत पड़ रही है कि नहीं अब मैं नहीं पलटने वाला या अब मैं इधर ही रहूंगा, ये जो उनका इधर ही रहूंगा वाला जो बयान है ये बता रहा है कि नीतीश कुमार भी मन ही मन डर रहे होंगे कि अब पता नहीं जनता मेरे ऊपर कितना भरोसा करेगी, क्योंकि बार बार वो इधर से उधर से इधर होते रहे। और इस बार तो तेजस्वी यादव ने ये दिखा दिया कि जब आप ही ने महागठबंधन बनाने का और इंडिया गठबंधन की भी पहल एक तरह से नीतीश कुमार के कारण हुई थी, पटना में बड़ी रैली बुलाई गई, उन्होंने तमाम विपक्षी नेताओं को इकट्ठा किया था, लेकिन इसके बाद जैसे ही उन पर कोई दबाव पड़ा तो वो, और मफलर वाला चुटकुला भी राहुल गांधी ने सुनाया ही था कि राज्यपाल से मिलने पहुंच गया, फिर मफलर भूल गए और राज्यपाल ने बोला आप इतने जल्दी वापस आ गए। तो ये तमाम बातें जनता इतने जल्दी भूलने वाली नहीं है, और इसीलिए बीजेपी को इस समय काफी परेशानी दिख रही है। और बीजेपी के आपने बताया कि स्टार प्रचारक है मोदी, बार बार उनको अब बिहार आना पड़ रहा है, और अभी जो बीजेपी का प्लान है, अभी पहले चरण में 4 सीटों पर, मतलब अब से 8 दिन बाद ही 19 तारीख को चुनाव होने हैं, औरंगाबाद गया जमुई और नवादा, इन 4 सीटों पर चुनाव होने हैं, और अभी से यहाँ पर बीजेपी ने अपने प्रचार करने शुरू कर दिए हैं। और अब पहले राहुल गांधी तो अब 19 तारीख को पहुंच ही रहे हैं, लेकिन इधर बीजेपी की ओर से भी तैयारी चल रही है, मोदी पहुंचेंगे 16 को, उसके पहले राजनाथ सिंह आ रहे हैं, योगी आ रहे हैं, ये सब लोग पहुंच रहे हैं बिहार की किसी भी तरह से बीजेपी की और एनडीए की साख बचाई जा सके। लेकिन तेजस्वी यादव की सभाओं में जो भीड़ उमड़ रही है, एक आपको ट्वीट दिखाते हैं, उसमें उन्होंने ये देखिए आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि कितनी भीड़ है तेजस्वी यादव की इस सभा में। और अभी हाल ही में उन्होंने अभी कुछ समय पहले की बात है, तेजस्वी यादव ने ये ट्वीट किया था और उन्होंने ये बोला कि देश का युवा वर्ग जान चुका है कि प्रधानमंत्री जी कभी भी बेरोजगारी, किसानी, महंगाई, गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य और ज्वलंत मुद्दों पर बात नहीं करते। 10 वर्ष शासन में रहने के बावजूद वो अपनी उपलब्धियां गिनाने के बजाय हर बात के लिए विपक्ष को दोषी ठहराते हैं। पीएम को बताना चाहिए कि विगत 46 वर्षों में उनके शासन में ही बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई सबसे अधिक क्यों बढ़ी। ये जो आखिरी की 3 बातें हैं, बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई, इस बात को लेकर आपने ये बताया भी था कि मुकेश सहनी भी, क्योंकि वो जमीन से जुड़े और जिस वर्ग का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, और उन्होंने सामाजिक न्याय की बात की, राहुल गांधी भी यही बात कर रहे हैं कि गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, और आज के समय में जनता के सामने यही 3 सबसे बड़ी समस्याएं हैं अमलेंदु जी। और यहाँ पर तेजस्वी यादव ने सीधे सीधे मोदी के सामने उनको एक बड़ी चुनौती पेश कर दी कि आप ये बताइए कि आपके शासन काल में क्यों बढ़ी, आप इसको कम क्यों नहीं कर पाए। ये तेजस्वी यादव ने बड़ा आरोप लगाया, और उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारा संविधान खतरे में है, संविधान बचाने की लड़ाई लड़ने वालों को ईडी और सीबीआई से परेशान करवाया जा रहा है। हमारे सामने उदाहरण है इस समय दिल्ली में जो खेल चल रहा है,
और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार ने 3 रुपए में मिलने वाला प्लेटफॉर्म टिकट बढ़ाकर 50 रुपए कर दिया। जब मेरे पिता लालू यादव रेल मंत्री थे तो रेलवे का किराया कम था, उन्होंने गरीब रथ चलाने का काम किया। केंद्र सरकार महंगाई को रोकने में नाकाम साबित हुई। भाजपा वाले पहले कहते थे महंगाई डायन खाए जात है, अब महंगाई उनकी भौजाई हो गई है। ये तेजस्वी यादव ने बड़ा मतलब बिल्कुल सही जगह पर चोट की है अमलेंदु जी। महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी, इन 3 मुद्दों पर बीजेपी को तेजस्वी यादव घेर रहे हैं। बीजेपी क्या इनका कोई जवाब दे पाएगी, या फिर जैसा कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग की छाप वाला बयान आ गया, क्या इन बयानों के, तेजस्वी यादव के इन आरोपों के जवाब में भी बीजेपी फिर कोई सांप्रदायिक मुद्दा बिहार में खड़ा कर सकेगी? देखिए सुमित्रा जी, बीजेपी के पास और कोई मुद्दा है ही नहीं सिवाय सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के, और उस पर उसको आना ही पड़ेगा। और इन सवालों के जवाब तो किसी भी हाल में नहीं है जो तेजस्वी यादव ने उठाए हैं, या राहुल गांधी उठा रहे हैं, या मल्लिकार्जुन खड़गे उठा रहे हैं, या अखिलेश यादव उठा रहे हैं। इंडिया गठबंधन जो भी मसले उठा रहा है, जो भी सवाल उठा रहा है, उन मसलों के जवाब बीजेपी के पास नहीं है। आप देखिए कि कांग्रेस का घोषणा पत्र आ गया, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का आ गया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का आ गया, समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र आ गया, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र के कहीं अते पते नहीं है, जबकि पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होना है। अभी जो कमेटी बनी है, उस कमेटी की अभी कोई बैठक भी नहीं हुई है जो घोषणा पत्र बनाएगी। यानी आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से बीजेपी मुद्दों से भागने की कोशिश कर रही है, और मुद्दों के जवाब बीजेपी के पास नहीं है। अब इलेक्टोरल बॉन्ड पर बीजेपी क्या जवाब देगी? भाई इलेक्टोरल बॉन्ड से जो चंदा आया, उसमें बीजेपी के पास क्या जवाब है? अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अगर हमने ये नहीं बनाया होता, मालूम नहीं पड़ता किसने किसको पैसा दिया। बहुत अच्छी बात है, आपने बनाया था तो मालूम पड़ गया, लेकिन आपने तो उसको छुपाने के पूरे इंतजाम कर लिए थे। तो खुला तो सुप्रीम कोर्ट के जरिए है, और सुप्रीम कोर्ट के जरिए ये खुला है कि बीजेपी को पैसा पहुँचा है, और अधिकांश पैसा बीजेपी को पहुँचा है, उन कंपनियों से पहुँचा है जिनके ऊपर तमाम तरीके के आरोप थे, भ्रष्टाचार के आरोप थे, जिनके ऊपर ईडी की कार्रवाई हो रही थी। 20 कंपनियां ऐसी हैं जो 3 साल के अंदर बनी थी, उन्होंने आपको पैसा दे दिया। तो ये सारी चीज़ें सब सामने आई हैं, जो कि अपराध है कि 3 साल से कम की बनी हुई कंपनी है तो वो चंदा नहीं दे सकती है, ये अपराध की श्रेणी में। तो ये जिस तरीके की सब चीज़ें सामने आ रही है, तो अब पब्लिक डोमेन में सारी चीज़ें आ रही हैं, तो इसके जवाब बीजेपी के पास क्या होंगे? मोदी की गारंटी है, तो मोदी की जो 2014 में गारंटियाँ दी थी, उन गारंटियों का क्या हुआ? नई गारंटी क्या होगा? तो गारंटी का संकट जब बीजेपी के सामने की, मोदी जी की गारंटी कहाँ चलेगी? कि मोदी जी की गारंटी अब कौन देगा? तो ये संकट है। तेजस्वी यादव पूछ रहे हैं कि भैया ठीक है, हमारे चाचा को आप साथ ले गए, इनकी गारंटी दे दीजिए, मोदी जी इनकी गारंटी दे दें। और नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा, और मोदी जी गारंटी नहीं दे पा रहे कि ये कहीं नहीं जाएंगे। तो ये जो विश्वास का संकट बिहार में एक जो खड़ा हुआ है, वो बिहार का में संकट तो है, विश्वास का है ही एनडीए के अंदर, लेकिन मुद्दों के जवाब जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। और इसीलिए राहुल गांधी लगातार जो जिस तरीके से मुद्दों को लेकर के बात कर रहे हैं, रात के 12 बजे वो जो अपना हैदराबाद का जो कार्यक्रम है, उसके बाद लौटते हुए जो वीडियो अपना पोस्ट करते हैं, उस वीडियो को पोस्ट करते हुए फिर कहते हैं कि उनकी टीम ने कहा है कि एनर्जी के साथ बनाइए, और फिर आप लोगों के अपने जो सुझाव हैं वो दीजिए हमारे घोषणा पत्र के ऊपर। अब अगर मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है, तो भाई मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र पर कई लाख ईमेल जो हैं वो कांग्रेस के उस पर नहीं पहुँचने चाहिए थे। वो कई मिलियन व्यूज उस वीडियो के हैं, राहुल गांधी का जो वीडियो है उसके कई मिलियन व्यूज हैं, और जबरदस्त तरीके से उसको समर्थन मिला है। लोग खोज खोज के पढ़ रहे हैं कि कांग्रेस का घोषणा पत्र है क्या। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, वो अब स्टार प्रचारक भारतीय जनता पार्टी के ना होकर के कांग्रेस के स्टार प्रचारक हो गए, क्योंकि वो जितना हमला कांग्रेस के ऊपर करते हैं, उतना लोग कांग्रेस के तरफ जाकर देखते हैं कि आखिर क्या मसला है, कि प्रधानमंत्री जो हमला कर रहे हैं ये सच है या झूठ है, और फिर जाकर के उसकी छानबीन की जाती है। आप बोल के आते हैं किसी एक जगह, और तमाम जगहों पर लोग जाकर के आपके उस बयान की चीरफाड़ करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, वो इस समय भारतीय जनता पार्टी के स्टार कैंपेनर ना होकर के कांग्रेस के स्टार कैंपेनर हो गए हैं। और मुझे लगता है कि कांग्रेस अंदर अंदर खुश होती होगी कि ये प्रधानमंत्री सही सलामत रहें पूरे चुनाव तक, और इसी तरीके से कांग्रेस के ऊपर हमला करते रहें, तो कांग्रेस को अपनी तरफ से अपनी बात जाकर के जनता को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रधानमंत्री खुद कांग्रेस की बातें जो जनता को जाकर समझा देंगे, और जनता खुद जो है अपनी सही और गलत का फैसला कर लेगी कि उसको क्या करना है। तो ये जिस तरीके से सरमिता जी हो रहा है, जो राहुल गांधी ने सवाल उठाए या तेजस्वी यादव ने ट्वीट के जरिए सवाल उठाए, इन सवालों के जवाब प्रधानमंत्री की तरफ से क्या, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी, किसी की तरफ से भी नहीं आने हैं। अब चीन को जो आप बात की जा रही है कि साहब चीन को लाल आंख दिखाने का मसला है कि वो हम भी जो है नाम बदल सकते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का है, तो बदल लो भाई, रोका किसने? आप भी बदल लिए नाम, यहाँ किसी ने मना तो नहीं किया, कांग्रेस ने नहीं कहा कि आप नाम मत बदलिए चीन के जगहों के, बदलिए बिल्कुल बदलिए, किसने रोका है?
कांग्रेस आपके साथ खड़ी है, पूरा देश आपके साथ खड़ा है, लेकिन आप हिम्मत तो दिखाइए चीन को लाल आंखें दिखाने की। जी प्रधानमंत्री का आज ही एक इंटरव्यू आया है कि चीज़ आप चीन के साथ जो है वो द्विपक्षीय वार्ता होनी चाहिए और सारे मसले सुलझा लिए चाहिए। भाई जब आप चीन को झूला झुला रहे थे तब आपने द्विपक्षीय बातें नहीं की थी जी। तो ये जिस तरह की चीज़ आनी, तो भारतीय जनता पार्टी के पास इंडिया गठबंधन के किन्हीं भी सवालों के जवाब नहीं है, खासतौर से जिस तरीके के महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, सामाजिक न्याय के ऊपर, जातिगत जनगणना के ऊपर, इन मसलों पे तो बिल्कुल भी कोई जवाब बीजेपी के पास नहीं है। और बीजेपी लगातार जो है ये जब बातें की जाती है तो घिरती हुई नज़र आती है, तो इसलिए बीजेपी को लौटना आखिरकार उसी हिंदू मुसलमान की पिच पे, और वो लौटने की उस पर कोशिश भी करते हैं। प्रधानमंत्री ने लगातार अब तक जो रैलियाँ की हैं इस दौरान उन्होंने लगातार उसी पिच पे लौटने की कोशिश की है, लेकिन इंडिया गठबंधन को वो अपनी पिच पे लेकर के नहीं आ पाए हैं, मजबूर होकर के उनको ही इंडिया गठबंधन की पिच पे जो है वो आकर के कुछ ना कुछ बातें करनी पड़ती हैं। अब आपकी नाकामियों के लिए पंडित नेहरू जिम्मेदार नहीं है ना, या 70 साल बाद पंडित नेहरू भी आपको रोक रहे हैं काम करने से। आपने 10 सालों में अगर काम नहीं किया तो इसका दोष भी पंडित नेहरू के ऊपर है जी। तो ये जिस तरीके की चीज़ें सब आ रही हैं उससे मुझे लगता है कि बीजेपी इस समय काफ़ी ज़्यादा संकट में घिरती हुई दिखाई पड़ रही है। और बिहार चुनाव में जो संतरे की एंट्री हुई है, संतरे को छीलने का जो वीडियो डाला है तेजस्वी यादव ने, ये साफ तौर पर बताता है कि राहुल गांधी के साथ मिलकर के संतरों की अच्छी तरीके से बिहार में छिलाई करने का कार्यक्रम तैयार हो चुका है। सर मित्रा जी बिल्कुल, राहुल गांधी के मटन बनाने से लेकर तेजस्वी के फिश खाने तक और उसमें मुकेश सहनी के साथ में होने और उसमें लोगों को मिर्ची लगने का संदेश देने तक बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बदल गया है। नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़कर एनडीए के पाले में आ गए हैं, मुकेश सहनी जो हैं वो अब तेजस्वी यादव के बड़े भाई बन गए हैं, राहुल गांधी वहां पर हैं और अब पहुंच रहे हैं 19 तारीख को दूसरे चरण के चुनाव के लिए वो प्रचार करेंगे, जिसमें किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर, बांका, कटिहार, इन 5 जगहों पर चुनाव है और इनमें से 3 में कांग्रेस है। और सबसे बड़ी बात कि पूर्णिया पर भी पप्पू यादव ने अपना अलग, वो खुद ही खड़े हो गए निर्दलीय, जबकि वो कांग्रेस के साथ होने की बात करते हैं। और इस बीच ये बार बार चलाया जा रहा था कहीं ना कहीं महागठबंधन में फूट दिखाने के लिए कि राहुल गांधी पप्पू यादव का प्रचार करने जाएंगे कि नहीं जाएंगे, और अभी सही हो गया है कि राहुल गांधी पूर्णिया नहीं जाने वाले, वो किशनगंज तक ही रहेंगे। पूर्णिया में जो बीमा भारती है जेडीयू से आई हुई 5 बार के विधायक है, लेकिन इस बार उनको आरजेडी ने पूर्णिया से उतारा है, तो अब इस बार वो वहां पर चुनाव लड़ेंगी और उनका और पप्पू यादव का आपस में मुकाबला होगा, उसमें हार जीत जो होती है। लेकिन यह तय है कि राहुल गांधी ने अपना पक्ष अभी फिलहाल के लिए बता दिया है कि वो महागठबंधन में किसी भी तरह की दरार नहीं पैदा करना चाहते। और ये राहुल गांधी का एक बड़ा प्लान यह है कि वो 19 तारीख से लेकर 26 तारीख तक, यानी पहले चरण से लेकर दूसरे चरण तक, लगातार बिहार में किसी न किसी तरह बने रहेंगे। और ये एक बड़ी बात हो रही है राहुल गांधी के लिए, खासतौर पर क्योंकि अब तक यूपी या बाकी जगह उनका प्रभाव, लेकिन बिहार में जिस तरह से उनका प्रभाव अब बढ़ता जा रहा है। और ये तो हमेशा कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से दिल्ली की राजनीति तय होती है, लेकिन इस समय बिहार एक बड़ा फैक्टर जो है वो बन चुका है, क्योंकि यहाँ जिस तरह से राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं, और जैसे अब अमित शाह हैं, मोदी हैं, योगी हैं, राजनाथ सिंह हैं, सभी लोगों को बिहार आकर अपना प्रचार करना पड़ रहा है। चिराग पासवान जमुई से उतरे हैं, जमुई से इस बार नहीं उतरे हैं, उन्होंने अपने जीजा को उतारा है, खुद वो हाजीपुर से उतर रहे हैं अपने पिता की सीट पर। लेकिन चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच में भी जो इस समय पारिवारिक मतभेद चल रहे हैं, उसका क्या असर होगा बीजेपी पर, ये एनडीए पर, क्योंकि एनडीए अब आपने बताया था कि किस तरह कमजोर करते जा रही है अपने ही साथियों को। उपेंद्र कुशवाहा अब इस समय उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि काराकट से अगर पवन सिंह खड़े हो जाते हैं तो बीजेपी अब उनका साथ देगी या अपने उन्हें वो उपेंद्र सिंह कुशवाहा का साथ देगी, ये एक बड़ी चुनौती उनके सामने भी है। तो जो छोटे दल हैं उन्हें जो तोड़ने वाली बात है बीजेपी पर, एक बार फिर ये आरोप साबित हो सकता है अगर वो किसी न किसी तरह पवन सिंह का साथ देती है। तो कुल मिलाकर बिहार की राजनीति में इस समय बहुत सारे रंग देखने मिल रहे हैं, काफी उलटफेर हो रहा है, और इन उलटफेरों में तेजस्वी यादव के जो कटाक्ष हैं, जो व्यंग हैं, जो उनके रूपकों में जिस तरह से वो मार कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं मखमली मारना, मतलब वो शब्द मैं नहीं बोल रही, लेकिन वो मखमल में लपेट के जैसे मारते हैं, वो ये इस समय तेजस्वी यादव कर रहे हैं, चाहे वो फिश खाने पर चिढ़ा रहे हैं, चाहे वो संतरे छीलते हुए बता रहे हैं। तो आगे बिहार की राजनीति अभी 8 दिन में हमें पता चल जाएगा कि और किस तरह से इसमें नए नए रंग देखने मिलेंगे, और तेजस्वी यादव किस तरह से लालू यादव के पद चिन्हों पर चलते हुए क्या बीजेपी का रथ यहाँ रोक पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। तो आज की इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। अमलेंदु जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जिन्होंने आज ईद के इस मुबारक मौके पर भी आप हमारे साथ जुड़े रहे। आप सबको ईद मुबारक और बहुत बहुत धन्यवाद।